गीता के कुल 700 श्लोकों में से केवल ये 9 श्लोक बदल सकते हैं हर किसी का भाग्य। श्लोक 1, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। श्लोक 2, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्तिरशान्तस्य कुत सुखम्। अर्थात योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। श्लोक 3, विहाय कामान यह कर्वान कुमांश चरति निष्प्रेह निर्मो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अफेक्ट जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्लोक 4, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्लोक 5, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मण। अर्थात तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्लोक 6, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रोज्जन स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्लोक 7, न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगे नाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्लोक 8, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 9, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु रघुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।